Assalamu alaikum and a very good morning kids. How are you all? I hope you all are fine. I am Ghazala Meher, your class teacher. Today is our English class. आज हम कुछ writing practice करेंगे. आइए start करते हैं. आज मैं आपके साथ standing line की कुछ worksheet share करने जा रही हूँ. अगर हम बच्चे से कहेंगे कि स्टैंडिंग लाइन बनाओ तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, और अगर इसी वर्क को हम वर्कशीट के थ्रू करवाएंगे तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और अच्छे से करेगा भी. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी वर्क वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही घर पे आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं. दिस इज आवर फर्स्ट वर्कशीट ऑफ स्टैंडिंग लाइन. यहाँ पे ऊपर फ्लावर बने हुए हैं, नीचे लीफ बने हुए हैं. तो आपको बच्चे को बोलना है कि फ्लावर को लीफ तक मैच करना है, लेके जाना है. तो इस तरह से बच्चा ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाता जाएगा एंड ही विल शो इंटरेस्ट आल्सो. ओके, एंड वर्कशीट नंबर टू इज, आप इस तरह से कोई भी वर्कशीट बना सकते हैं जिसमें स्टैंडिंग लाइंस बच्चे को ड्रॉ करनी हो. दीज आर लॉलीपॉप्स. यहाँ पे बच्चे को स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करनी है. लॉलीपॉप की स्टिक बच्चे को ड्रॉ करनी है. पहले बच्चा इधर उधर जाएगी बच्चे की पेंसिल, तो आपको उसको बार बार से टोकना नहीं है. ओके, दिस इज आवर सेकेंड वर्कशीट. आप इसमें कलर करने के लिए भी बोल सकते हैं. थर्ड वर्कशीट इज, ये मैंने एक डोर बनाया है. इसमें बीच में यहाँ पे स्टैंडिंग लाइंस के कुछ स्ट्रोक्स हैं. यहाँ पे बच्चा ऐसे स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस. These are very helpful to your child. Now fourth worksheet is, इस तरह से एक वॉल बनी हुई है. यहाँ पे ये ब्रिक्स की लाइंस हैं. यहाँ पे स्टैंडिंग लाइंस बच्चे को ड्रॉ करनी है, लाइक दिस. आपको एक Okay kids, आपको ये वीडियो घर पे बार बार देखना है और स्टैंडिंग लाइन बनाने की प्रैक्टिस करनी है. Bye bye, have a nice day.